हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की कमाल की ओवरले क्रिएट करना। एंड ये ओवरले बनाना ना एकदम बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने सभी कुछ सेट करके रखा है एंड आप लोगों को बस अपना टेक्स्ट ऐड करना है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करा देते हो तो मैं आप लोग को GIF में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को मैं स्टार्ट भी कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो एक्स गॉड सुनील है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपने पिक्सल लैब में जाना है एंड यहाँ पे आप लोगों को अपने जो गेमिंग चैनल का नेम है ना वो ऐड कर लेना है। मैं आपको फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले आप जाके फॉन्ट पैक या मेरे जो पैक है वो डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पे देख लो, मैंने एज एग्जांपल के लिए जोनाथन लिखा है और जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो सचटेक है। तो आप लोग मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसकी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं अल्ट्रा पे सेव कर लेता हूँ। एंड चलते हैं हम अपने पी एस टच एप्लीकेशन में। तो गाइस, पी एस टच में आने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे 90:20x1080 का एक रैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। एंड आपको पैक में यहाँ पे सभी कुछ मिल जाएगा, तो सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले बेस को ऐड कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने देख लो ऑलरेडी एक बेस बढ़िया सा क्रिएट करके रखा है, तो आप लोग को ये ऐड कर लेना है। एंड धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को आप ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ऐड कर लेता हूँ सभी चीज़ों को। एंड देख लो, इस टाइप से आपको ऐड कर लेनी है। एंड मैं कुछ PNGs वगैरह जो ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी दूंगा ना एनिमेशंस के, वो भी आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको वीडियो एडिटिंग के टाइम कुछ भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे मैंने एक सस्टेक का अपना वो ऑलरेडी बना के भी रखा था। आप कुछ इस टाइप से अपना भी सोशल नेटवर्क का जो आपका है ना वो ऐड कर सकते हो। लाइक आपको इंस्टाग्राम ऐड करना है, वहाँ पे मैंने ऊपर नीचे दो स्पेस भी रखा है कि आप UPI ऐड कर सकते हो या फिर फेसबुक भी ऐड कर सकते हो। तो देख लो, यहाँ पे मैंने जोनाथन का जो पिक्सल ऐप से टेक्स्ट क्रिएट किया था ना वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड सिंपली यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे देख लो, अब हम यहाँ पे सेलेक्शंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे JONA है ना, इसे हम अलग करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे सेलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद क्या करना है कि इसे लेयर फ्रॉम सेलेक्शन करके इसे अलग कर देना। तो यहाँ पे मैंने अलग कर लिया है। एंड जो JONA है ना उसे आप डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। एंड जो डुप्लीकेट करोगे उसकी सेलेक्ट पिक्सल करके यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट ऐड कर देनी है, ब्लू वाली, वो ग्रेडियंट आप यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट क्रिएट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। हाँ, हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे हम ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, क्या करते हैं, देख लो। अब एक एक करके आपको सेव करना है। देख लो, दोनों आपको रहने देना है, JONA है ना, एक वाइट कलर में रहने देना है एंड एक ब्लू कलर में रहने देना है। बाकी सब कुछ आपको सेट मिलेगा उधर। तो अब यहाँ पे हम देख लो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसे डीसेलेक्ट करके एक एक करके आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देखो, पहले JONA है ना ब्लू कलर में, वो मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैक हो जाना है सिंपली सेव करके। एंड बैक होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेव कर लेना है। शेयर पे जाना, सेव टू गैलरी करके अपने उस प्रोजेक्ट को सेव कर लेना, PNG में सेव कर लेना है गाइस, याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक करके यहाँ पे हम ऐसी सभी को सेव कर लेंगे। यहाँ पे मैं टाइम ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए मैं चलते हैं डायरेक्ट काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो गाइस, काइनमास्टर में आने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे एक ब्लैक प्रोजेक्ट लेना है, ब्लैक कलर का, ठीक है। उसे आप ग्रीन स्क्रीन कर देना कलर में जाके। यहाँ पे मैं ग्रीन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि लेयर पे जाना एंड अपने बेस को ऐड करना, सभी चीज़ को यहाँ पे एक एक करके ऐड कर लेना एंड फिट टू स्क्रीन करते जाना, ताकि वो चीज़ें अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिक सेट होते जाए। एंड यहाँ पे देख लो, एक पोसाइडन है ना शायद, हाँ पोसाइडन है, तो उसकी मैं ग्रीन स्क्रीन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप ऐड कर लेना। एंड इसे भी फिट टू स्क्रीन कर लेना, ताकि वो अपने पोजीशन पे अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। एंड जो आपका ग्रीन स्क्रीन था ना, उतना ही साइज़ का आपको अपना ओवरले भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे एंड JONA है ना जोना, ठीक है, जोना बोलेंगे इसे, बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड इसमें एनिमेशन देंगे हम इंटर स्लाइड अप एंड आउट एनिमेशन देंगे एग्जिट स्लाइड डाउन एंड इसकी स्पीड 0.5 रखना, ठीक है। फिर से हम इसे डुप्लीकेट भी करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद एक वाले को रिप्लेस करेंगे एंड THEN ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसकी स्पीड हम यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो आपको सेम एनिमेशन रखना है एंड स्पीड आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो आपको कुछ
अलग सा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो, मैंने एक यहाँ पे डिज़ाइन बोल सकते हो वो क्रिएट किया था, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे की एनिमेशन करना पड़ेगा तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सब कुछ करके रखा है आप लोग के लिए। देख लो कुछ इस टाइप का ये डिज़ाइन था, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ऐड करके फिट टू स्क्रीन कर देना, वो ऑटोमेटिक अपने पोजिशन को पकड़ लेगा, ठीक है। देख लो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देख लो, आप लोगों को टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लो 2.5 के अराउंड आप लोगों को जो ब्लू कलर वाला ग्रेडियंट था ना, JONA वाला, उसे आपको ऐड करना है, ताकि जो आपका देख रहे हो ना, ये जो पोसाइडन है वो बॉल फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टेक्स्ट पे कलर फेंक रहा है और उसके बाद JONA के ऊपर वो कलर आ रहा है। तो इसके लिए आपको वाइप राइट करना है एंड इसकी जो स्पीड है वो 1 रखना, मैंने गलती से यहाँ पे 0.5 रखा है, 1 आप कर लेना, ठीक है। एंड जो आउट एनिमेशन है ना, यहाँ पे आपको आउट एनिमेशन में फेड कर देना है, ताकि दोबारा से वो जब आए तो आपको अच्छा सा दिखे। देख लो कितना मस्त लग रहा है ना, यहाँ पे आउट एनिमेशन इसकी फेड कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक बार और हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, एक मिनट, आउट एनिमेशन फेड हो गया 6.4, ठीक है। यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड एक बार और लास्ट में हम इसे रख देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लास्ट में करेंगे एंड इसकी जो टाइमिंग यहाँ पे रहेगी 7.5 के अराउंड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको फिट दिख रहा है, तो वहाँ तक आप कर लेना एंड जो लास्ट में अनवांटेड पार्ट है ना, उसे आप क्लियर कर देना एंड इसकी जो आउट एनिमेशन है ना, वो आपको नन कर देनी है, ताकि कोई एनिमेशन ना हो लास्ट में। एक एनिमेशन देना है, वो मैं आपको बताता हूँ, एग्जिट स्लाइड डाउन देना, ताकि जो आपको वाइट वाला जोनाथन का जो टेक्स्ट है ना, उसके साथ वो भी एनिमेशन करके नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अभी देख लो यहाँ पे, देखो वो रुक गया, तो इसलिए हम यहाँ पे आउट एनिमेशन भी ऐड करेंगे, एग्जिट स्लाइड डाउन एंड इसकी जो स्पीड रखेंगे 0.5 रखेंगे, ताकि एक साथ दोनों नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देख लो ये वाली अपने जो टेक्स्ट है सोशल बटन, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसकी एनिमेशन, इन एनिमेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे इन एनिमेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे हाँ पॉप डाउन ऐड करेंगे, इन एनिमेशन स्पीड 1 रखेंगे, आउट एनिमेशन यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्नैप डाउन, स्नैप अप, ठीक है। यहाँ पे ये हम ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लेयर में जाएंगे एंड लेयर में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वाला एक टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको जो फॉन्ट रखना होगा रख लेना, ठीक है। तो मैं ये वाली फॉन्ट यहाँ पे रख लेता हूँ एंड आपको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है एंड इसकी कलर को ब्लैक कर देना है एंड जो आपको राइट साइड में दो पट्टा दिख रहा है ना, दो लाइन, उस वाले लाइन पे आप यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको की एनिमेशन करना होगा, ये इजी है, ये आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइक एंड शेयर वाला जो था इसे लास्ट तक कर लेता हूँ एंड आपको देख लो पहले पे एक की ऐड करना है और एक लास्ट में की ऐड करना है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से वो लाइन से होते हुए आपको लेके जाना है अपने टेक्स्ट को। तो दिखाऊंगा मैं कि कैसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा आपको। बीच में आपको देखो कितना मस्त सा दिख रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर वाला, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, एकदम कमाल का लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, जो सेकंड पट्टा है ना, उस पर हम जोनाथन इज़ लाइव लिख लेंगे, आपका जो गेमिंग चैनल का नेम होगा वो हम आप ऐड कर लेना। तो देख लो यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ऐड करेंगे, तो सब कुछ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो चीज़ देख लेना एंड डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपको अपने सोशल्स बटन के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट देना है एंड एक कलरफुल इलेक्ट्रिक है वो आपको अपने पोसाइडन के ऊपर देना है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे डुप्लीकेट कर करके दो तीन बार यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और क्या करना कि इमेज एसेट पे जाना एंड यहाँ पे एक और बैकग्राउंड आपको ऐड करनी है, ताकि जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको टेक्स्ट ऊपर ग्रीन स्क्रीन पे वो ना दिखे। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अपने ओवरले के ऊपर इसे ऐड कर देनी है एंड इसकी कलर आपको ग्रीन स्क्रीन रखनी है एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक कर लेना एंड अपना जो पोसाइडन है ना हम उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो हमारा पोसाइडन किधर गया, उसकी लेयर को आपको जाना है एंड उसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना। तो देख लो यहाँ पे हमारा पोसाइडन है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट एंड हो गया हमारा यहाँ पे ओवरले क्रिएट। और भी कुछ एनिमेशंस अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, वरना यहाँ पे परफेक्ट आपका ओवरले क्रिएट हो गया। तो गाइस 1000 लाइक कंप्लीट करा दो, तो आप लोगों को मैं इस ओवरले को GIF में कन्वर्ट करने के लिए भी बता दूंगा।